शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। अरे आप आबकारी मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? एक भाई बोर हो गया था, अब दूसरा भाई जाके उसके साथ कम से कम ताश तो खेलेगा। लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी में से कोई और बड़ा चेहरा आप सत्येंद्र जैन के बाद और मनीष सिसोदिया के बाद जा सकता है अंदर? लगता है आपको कोई और चेहरा है? हाँ, मास्टरमाइंड जाने वाला है भाई। कौन? एक ही तो है, खुजलीवाल। ये आम आदमी पार्टी वाले जो है ना, ये साइको टाइप है। साइको समझते हैं ना? साइको? हाँ, साइको है ये। अच्छा। ये 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 इनका मुख्यमंत्री भी साइको है और पंजाब का मुख्यमंत्री नशेड़ी है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं तो खुले में बोलता हूँ, ये जो ये आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ शाहीन बाग का प्रोजेक्ट चलाते हैं और दूसरी तरफ खालिस्तान का प्रोजेक्ट चलाते हैं और नशेड़ी नशेड़ी मुख्यमंत्री और उस पंजाब को चलाता है, हमारे पंजाब को चलाता है। और यहाँ का शिक्षा मंत्री, मैं नहीं कहूँगा ये शिक्षा मंत्री नहीं है, तो क्या है? ये आबकारी नीति का श्रम मंत्री है। अच्छा। ये जो बार बार बोलते हैं ना कि शिक्षा मंत्री बच्चों का भविष्य, अरे ये एक तरफ बच्चों का भविष्य बना रहा था तो दूसरी तरफ घर घर में दुकान खोल के बच्चों को बर्बाद भी कर रहा था। एक के साथ एक फ्री। देखिए राघव चड्ढा जी आज सुबह इंटरव्यू में कहते हैं कि 14 लाख बच्चों की बद्दुआ लगेगी बीजेपी वालों को, क्या कहेंगे भाई साहब? मैं तो कहूंगा दिल्ली की आबादी 2,40,00,000 है और 50% हमारे यंग बच्चे हैं, है कि नहीं है? तो कितने हो गए? कितने हो गए? 1,25,00,000। 1,25,00,000 बच्चों की दुआएं लगेंगी कि ये शराब की दुकानें बंद कर दी हमने। हाँ जी, लेकिन देखिए शिक्षा मंत्री केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं और केजरीवाल जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। अरे आप आबकारी मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? शर्म आती है क्या आपको? नहीं, हमको तो शर्म नहीं आती है, लेकिन जिस केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल को मैं 10 साल से जानता हूँ। ये हमारे एनजीओ में था। अच्छा। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैंने अपने ऑटो में बैठा करके इस केजरीवाल को, नकाब पोश को 10 बारी घर में छोड़ा है मैंने। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल, इधर आके बोलिए। हाँ, लेकिन देखिए पहले इनके चहीते नेता सत्येंद्र जैन गए स्वास्थ्य मंत्री, अब शिक्षा मंत्री चले गए हैं, लेकिन ये सबको खट्टर ईमानदार बोलते थे, दोनों खट्टर ईमानदार जेल में चले गए हैं। बेटे ये कट्टर ईमानदार हैं। हाँ, 101% कट्टर ईमानदार। कट्टर किसे बोलते हैं? जो कि सबसे ज्यादा घोटाला करने वाला वो कट्टर होता है। एक भाई बोर हो गया था, अब दूसरा भाई जाके उसके साथ कम से कम ताश तो खेलेगा। हाँ। वो जैन जो था, वो जो जैन था ना, जैन, वो किससे, किसके साथ, किससे मसाज कराता था? जो बलात्कार के केस के अंदर बंद हुआ था। अब इनकी 2 जने हो गए, अभी तो मास्टर माइंड को अंदर जाना है भाई। अच्छा। जी हाँ, बड़ा सवाल पूछना चाहूंगी। लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी में से कोई और बड़ा चेहरा आप सत्येंद्र जैन के बाद और मनीष सिसोदिया के बाद जा सकता है अंदर? लगता है आपको कोई और चेहरा है? हाँ, मास्टर माइंड जाने वाला है भाई। कौन? एक ही तो है, खुजलीवाल। वो जाने वाले 101%। अभी ये कह रहे हैं ना कि ये बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है। आप ये मुझे बताइए, अभी सिविक सेंटर के अंदर इन्होंने कितना गंदा डाला, टोपी पहन करके आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, टोपी उतार के जेब में डाली और इन्होंने निगम पार्षदों को घूसे पे घूसे मारे, जब क्या थे? गुंडे आदमी जिंदाबाद। ये चाहे आप राखी बिरला को ले लो, राखी बिरला का नाम जानते हो ना? राखी बिरला को ले लो आप। संतोष कोहली को मरवाने वाला केजरीवाल, सबसे पहला इसने अगर आम आदमी पार्टी में किसी का मर्डर कराया था तो उसका नाम संतोष कोहली था। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने किसी को टिकट दी थी वो संतोष कोहली थी। अरे वो लड़की इतनी अच्छी थी कि वो केजरीवाल नहीं कहती थी, वो कहती थी केजरी तू समझता नहीं है, तू समझता नहीं है, मैं संतोष कोहली को अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये वो साइको आदमी है, ये मौका आने पर जिस चीज को एक बार इस्तेमाल करते हैं उसको ये दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये वो केजरीवाल है। अच्छा, देखिए विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि सीबीआई तो बीजेपी के कहने पे काम करती है, बिकी हुई है केंद्र सरकार से, भेदभाव करती है। वो बेवकूफ संजय, जो चुटभैया नेता, जो हाँ
ये आज तक एक RW का चुनाव नहीं जीता, RW का है रिक्शों का उठाई गिरी करने वाला, मतलब हफ्ता गिरी लेने वाला ये संजय सिंह ये आज बोलता है हाँ जी ये कर रहा है। सबसे बड़ा टिकट को बेचने वाला तो यही है और इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, इनके कुछ नहीं, ये लोग भ्रष्ट में लिप्त हैं। अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, 24 का चुनाव सिर पर है। मुनीश ये केजरीवाल सोचते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नीतीश भैया सोचते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बहन जी सोचती है मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। अरे प्रधानमंत्री तो 2029 तक के लिए तय हो चुका है। हाँ जी, क्या फैसला निकल कर आ रहा है? फैसला तो एक ही है, मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए संजय सिंह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि बीजेपी तानाशाह वाली सरकार चला रही है। 100% तानाशाह। अगर तानाशाह होता जिस समय हमारे पास 28 सीटें थी बीजेपी के पास और हम 6 सीटें इनकी 10 मिनट में तोड़ के ले आते, जब तो हमने तानाशाही नहीं करी थी। आज हम तानाशाह करेंगे क्या तुम्हारे से? ये संजय सिंह को तो बोलने की भी अकल नहीं है। और वो कहता है आतिशी, हाँ सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है, हाँ जाके मारो 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 ऐसे बोलती है। अच्छा। और उसी टाइम उसके गुंडे लग जाते हैं मारने पीटने के लिए। आतिश कम नहीं है ये। हाँ। समझ गए? लेकिन देखिए अभी जब मेयर के चुनाव के लिए लड़ाई हो रही थी तो यही आतिशी थी जो आकर बोलती थी कैमरे पर कि बीजेपी वाले जो है गुंडा राज कर रहे हैं मार। यही आतिशी थी जो कान में बोलती थी। हाँ। यही आतिशी थी अपने ही कार्यकर्ताओं के कान में बोलती थी जाके मारो तोड़ो, यही आतिशी थी ना। अब उसको ये थोड़ी पता कि कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। लेकिन देखिए आपने जितने भी बड़े लोगों का नाम लिया, संजय सिंह हो, आतिशी हो, ये सब मनीष सिसोदिया के समर्थन में हैं। अभी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेल के अंदर तक छोड़ के आएंगे। 100% छोड़ के आएंगे। लेकिन संजय सिंह कहते हैं हम तो जेल वेल से नहीं डरते, हम तो विकास करेंगे, हम अपना काम करेंगे। भाई देखो संजय सिंह टिकट ब्लैक करने वाला व्यक्ति, जो टिकट ब्लैक करता था वो जेल में क्या, वो तो दसियों बार जेल में जा चुका है। हाँ। ये है कि वो सेंट्रल जेल में नहीं गया, छोटी छोटी जेलों में जाता था। अच्छा। तो वो डरता थोड़ी है। लेकिन कहते तो हैं कि हम भगत सिंह के वंशज हैं। अरे क्यों भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को बदनाम करते हो? अरे गधो तुम तो उनकी मिट्टी की तरह भी नहीं हो। हाँ जी। लेकिन देखिए जब ED LG ऐसे नाम आते थे तो केजरीवाल जी आकर कहते थे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारे ऊपर कितने भी आप आरोप लगा ले हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना काम करेंगे। देखो वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ। किसी भी कारण से वो घोटाला करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अच्छा। वो डट के मुकाबला कर रहे हैं, हर जगह घोटाला करेंगे। आपको एक बात बताता हूँ मैं, आज हमारे दिल्ली वाले कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली हमने फ्री दे दी है। मेरे घर में 3 मीटर लगे हुए हैं। अच्छा। 600 यूनिट बिजली हो गई लेकिन बिल कितना आता है? 0। आप अभी लिख के भेजिए ना कि आपने 100 यूनिट ऊपर वाले का खर्च किया और 50 यूनिट ऊपर वाले का और 100 यूनिट, हमने 250 यूनिट बिजली खर्च करी। हाँ। बाकी यूनिट तो हमारे 600 आपने माफ कर दिए ना। हाँ। बाकी 350 यूनिट वो कहाँ गए? हाँ। वो आधे आधे आम आदमी पार्टी के खाते में गए और आधे जो पैसे हैं वो कंपनी के खाते में गए। अच्छा। इसी तरह से 566 लीटर पानी के अंदर भी घोटाला है। हाँ। एक बस के अंदर 30 लेडीज बैठती हैं। 30 पूरी बस में सर्वे कर लीजिए, किसी बस में 5 आदमी बैठे होंगे, किसी बस में 10 आदमी बैठे होंगे, किसी बस में 15, लेकिन टिकट कटती है 30। टिकट 30 कटती है चाहे बैठे 5 या 10। हाँ तो ये भी तो घोटाला है भाई। अच्छा। अगर आपने फ्री कर दी है तो भी टिकट क्यों दे रहे हो, किसको हिसाब दे रहे हो आप? अच्छा, फ्री कर दो ना। आपसे पूछना चाहेंगे, ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप ड्राइविंग करते हैं, ऑटो ड्राइवर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ट्रांसपोर्ट से 35 साल से जुड़ा हूँ, ऑटो चलाता हूँ दिल्ली की सड़कों पे। हाँ। और बिल्कुल धूम धड़ाके से केजरीवाल का विरोध करता हूँ। लेकिन देखिए कहते हैं कि केजरीवाल जी ने तो ऑटो ड्राइवर्स के लिए बड़ा अच्छा किया है, बहुत सारी सुविधाएं दी है। बहुत सारी सुविधा दी है। 2,70,000 रुपए का ऑटो 9.5 लाख का मिल रहा है। अच्छा। हाँ मतलब यहाँ पर भी घोटाला हो रहा है क्या? जी नहीं जी घोटाला नहीं हो रहा, वो तो ऑटो महंगा हो गए है ना, परमिट कम हो गए हैं। अच्छा। तो ये जो संजय झा जी है ना, जो बुराड़ी के विधायक हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 1 लाख रुपया हर रोज चाहिए बुराड़ी से, वो कहाँ से आएगा? LY कैसे मिल रही है? 25,000 रुपए में एक LY मिलती है। अच्छा देखिए मैं शराब घोटाले पर अगर वापस आऊं तो पहले 60% जो थी वो सरकारी थी, 40% प्राइवेट थी। कुछ समय बाद 100% जब ये इनकी नई नीति आई तो 100% प्राइवेट कर दिया गया।
क्या सोचकर आपको लगता है कि प्राइवेट किया गया? क्या आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा था? क्योंकि न्यूज़ पर दिखाया जा रहा है कि ठेकेदारों को बड़ा अमाउंट जो है आम आदमी पार्टी उठा रही थी ठेकेदार से। सहमत है इन बातों से कि प्राइवेट किया गया अपने फायदे? देखिए मेरी बात सुनिए, एक्साइज ड्यूटी के अनुसार 27% शराब पर एक्साइज था, इन्होंने 27% को बिल्कुल करके 6% कर दिया। लाइसेंस जो मिलता था उसके कुछ नियम थे, 30,000 से 50,000 रुपये उसकी फीस जमा होती थी, वो लाइसेंस बनता था, इन्होंने लाइसेंस भी फ्री कर दिया। इन्होंने तय कर लिया कि पंजाब का चुनाव कैसे जीता जाएगा। ये शराब का जो घोटाले का पैसा आया वो सारा पंजाब में लग गया। आप कहते हैं जी आप छान लो मनीष सिसोदिया, कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं था, आपने कहा कि हमारे को करोड़ों रुपए का शराब नीति के अंदर फायदा हो रहा है ना, फिर आपने बंद क्यों कर दिया भाई? क्यों करा बंद? डर के मारे कराना? ये इन्होंने जो हमारा 2 महीने का कोटा था शराब का, वो 15 दिन में खत्म कर दिया। अच्छा, एक के साथ एक फ्री। जो बच्चे बियर पी के गुजारा करते थे, मजदूर नहीं मिल रहे थे रोड पे, एक दिन मजदूरी करते थे, मजदूरी करके 2 बोतल लेके जाते थे, 2 दिन पीते थे, सोते थे, फिर 2 दिन बाद फिर वो बोतल लेने जाते थे। तो इन्होंने तो दिल्ली को बर्बाद करने की कसम खा ली थी। और करोड़ों अरबों रुपए का इस 3-4 महीने में जो घोटाला हुआ है, इसका यही नतीजा है। आप इन्होंने डर के मारे आबकारी निधि को खत्म करा है। अगर ये सही थे तो क्यों करा? चला के रखते, करोड़ों रुपए लगा के दुकानें खुली थी, उसका पैसा लगा था, डेकोरेशन हुई थी। तो आपने डके मारे क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा। सबसे बड़ा चोर तो अब इसके सिर में तो तिनका हो ही नहीं सकता ना, बाल नहीं थे। तो और इनका जो दाढ़ी वाला मंत्री है गोपाल राय, वो कभी दाढ़ी रख लेता है, कभी काट देता है, वो देखता है कि मेरी दाढ़ी में तिनका तो नहीं है, वो भी नक्सलवादी है। अच्छा देखिए, मनीष सिसोदिया पे वापस आऊंगी। रिमांड के लिए जो है 5 दिन के लिए कह दिया गया है, उन लोगों ने सीबीआई वालों ने अर्जी डाली है कि 5 दिन की रिमांड हमें चाहिए। क्या लग रहा है कि इन 5 दिनों में, जैसे सीबीआई आरोप लगा रही थी कि हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, सही जवाब नहीं दे रहे हैं और आनाकानी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि इन रिमांडों में भी सीबीआई वही चीजें कहने वाली है? मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने जो सिम थी, जो मोबाइल की सिम थी, वो क्यों तोड़ी जी? नंबर क्यों चेंज करा आपने? अगर मैं सच्चा हूँ ना, ये मेरा नंबर पिछले 15 साल से है। अच्छा। अगर मैं झूठा हूँ तो सबसे पहले मैं नंबर तोड़ के फेंकूंगा। इसका मतलब मैं चोर था और ये गोलमोल बात कर रहा था जी। और ये इनकी नीतियां हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, ये अंदर से जानते हैं। केजरीवाल जी ने गुजरात में कहा, देखो जी अब केजरीवाल जी जेल में जा रहे हैं, और केजरीवाल जी ने कहा कि अब ये जेल में, इनको पता था कि इन्होंने जेल में जाना ही जाना है। मेरी बात ये है, मनीष सिसोदिया, ठीक है, धन्यवाद। मनीष सिसोदिया के इसलिए भेजा जा रहा है सत्येंद्र जैन के पास, वो उसको मसाज करेगा, वो उसको मसाज करेगा, फिर दोनों मिलकर केजरीवाल को मसाज बाद में करेंगे। इसके लिए हाँ जोड़ी बढ़िया रहेंगे, पर जो चोरी भी कर रहे हो, सिन्हा चोरी भी करो, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दिल्ली में मौजूद थे, दिल्ली की जनता से बात कर रहे थे, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं इस वक्त, डिप्टी सीएम हैं केजरीवाल के बाद, सबसे बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया का माना जाता है, वही शिक्षा मंत्री इस वक्त जो है निशाने पर है सीबीआई के। एक रात गुजार चुके हैं जेल में, क्या सत्येंद्र जैन का सहयोग करने जेल में जाएंगे, या जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि सीबीआई बिकी हुई है वो आरोप साबित हो जाएंगे? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय।